नौशहरा बरका से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बाज़ सरफराज ने नौजवान को हुक्म न मानने पर फायर मार कर शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा बरका के नवाही गाँव जागोवाल के रिहायशी बाअसर अफराद राशिद और सुफियान ने गाँव के रिहायशी गरीब मेहनत कश सदनेब मसीह को जबरदस्ती अपने खेतों में दवाई डालने का हुक्म दिया। सदनेब के इनकार पर मुलजमान ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और सीने में फायर मार दिया, जो सीने से आर पार हो गया। सदनेब को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बयान की जाती है। मकामी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल कोई मुलजमान गिरफ्तार न हो सका, जबकि मुलजमान गाँव में असला उठाकर धुंधनाते हुए मजरूब के अहले खाना को डरा धमका कर सुलह के लिए मजबूर कर रहे हैं। अहले दिया का कहना है कि बाअसर मुलजमान ने गाँव में दहशत फैला रखी है और गरीब खानदान का साथ देने वालों को भी असला के जोर पर डरा धमका रहे हैं। अहलियाने दहा ने CPO गुजरांवाला से मुलजमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तहफ्फुज़ की अपील की है।